मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस यू टैक्टिक सिस्टम। तो यू टैक्टिक सिस्टम में क्या होता है, मान लो एक प्योर सब्सटेंस है ए, प्योर सब्सटेंस है बी। आपने क्या किया है, मान लो ये वाला बीकर है मेरा, बी सॉलिड ले लिया आपने, ए सॉलिड फॉर्म में ले लिया, उसको बहुत ज़्यादा हीट कर दिया। हीट करने के बाद क्या होगा, दोनों लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, और जब लिक्विड फॉर्म में इनका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो ये क्या है, होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाते हैं। होमोजीनियस सॉल्यूशन मतलब एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली मिसिबल है लिक्विड फॉर्म में। लेकिन जब आप इस मिक्सचर को कूल करना स्टार्ट करते हो तो नॉर्मली क्या होता है, वो जम जाता है, और जो सॉलिड की कंपोजिशन होती है वही लिक्विड फेज की कंपोजिशन होती है। लेकिन यू टैक्टिक सिस्टम में ऐसा नहीं होता। जब आप कूल करना स्टार्ट करते हो तो एक कंपोनेंट सेपरेट आउट हो जाता है और बाकी मिक्सचर में रह जाता है कुछ, दोनों ही ए और बी कंपोनेंट। कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने 50-50 ग्राम ले लिए दोनों के लिक्विड, मिक्स कर दिए, होमोजीनियस सॉल्यूशन बन गया। लेकिन जैसे ही मैं इनको कूल करूँगी तो ये होगा कि हो सकता है, मान लो 50-50% में से हो सकता है ए आउट हो जाए सॉलिड फॉर्म में जब मैं कूल करूँगी, और आपके सॉल्यूशन में क्या बच जाए, कुछ ए और कुछ बी, इस तरह से। तो जो इस तरह के सिस्टम होते हैं उनको हम यू टैक्टिक सिस्टम बोलते हैं, वो यूनिफॉर्म फ्रीजिंग नहीं होती उनकी। तो अब इनके लिए हम फेज डायग्राम कैसे शो करेंगे, इस तरह से, ये टेम्परेचर को शो करेगा, ये कंपोजिशन को शो करेगा, ये भी टेम्परेचर को शो करेगा। अब एक एंड पे हम क्या लेते हैं, प्योर ए सब्सटेंस, कि कोई सब्सटेंस है प्योर फॉर्म में है इस एंड पे। दूसरे एंड पे जो सब्सटेंस बी है वो क्या है, प्योर फॉर्म में है। और ये वाला जो कर्व है, इसके अलोंग, ये वाली लाइन के अलोंग उनकी कंपोजिशन चेंज होती जा रही है, मिक्सचर हैं दोनों के, यानी कि यहाँ पे क्या है, ए और बी। फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे क्या है, बी बी है। अब जो पॉइंट जिसके सबसे ज़्यादा पास होगा उसका अमाउंट ज़्यादा होगा। तो ये पॉइंट ए के पास है तो ए इसमें ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल हो सकता है ए इसमें 70% हो और बी इसमें क्या हो, 30% हो। अगर मैं इस लाइन पे ये पॉइंट कंसिडर करी हूँ तो ये बी के पास ज़्यादा है, तो हो सकता है इसमें 80% बी हो और 20% क्या हो, आपका ए हो, 80% बी 20% ए। तो जो पॉइंट जिसके पास होगा उसमें उसका परसेंटेज उतना ही ज़्यादा होगा। तो मैं ए से स्टार्ट करूँगी, इस पॉइंट के ऊपर मेरा सिर्फ प्योर ए है। आप ये टेम्परेचर देखो, यहाँ पे ज़्यादा है और नीचे नीचे कम होता जा रहा है। तो मैंने एक सॉलिड लिया ए, उसको कर दिया बिल्कुल हीट। हीट करने से वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। मान लो यहाँ पे ये टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस पे, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अब मैं उसको कूल करना स्टार्ट करूँगी, कूल करेंगे तो मान लो जो ए है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है 10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री आते ही क्या होगा, प्योर सब्सटेंस ए सारा का सारा फ्रीज हो जाएगा, और कुछ देर तक जो उसका टेम्परेचर है वो फिक्स रहेगा। उसके बाद कूल करेंगे तो फिर क्या है, सॉलिड का टेम्परेचर गिरना स्टार्ट हो जाता है, जैसे हम आइस का करते हैं वाटर के केस में, कि वाटर को पहले हम क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं, कूल करते हैं। तो कूल, पहले वाटर कूल होता जाता है, फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या है, बर्फ़ बनना उसका स्टार्ट हो जाता है, और फिर कुछ टाइम तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, और फिर और कम करते हैं टेम्परेचर तो -1 डिग्री सेल्सियस की आइस बनती है, फिर -2 डिग्री सेल्सियस की आइस बनती है, इस तरह से बनता है। तो ये जो लाइन है ये क्या शो करी है, शुरू में जो आपका लिक्विड है वो क्या है, ए लिक्विड फॉर्म में, हाँ इस पॉइंट पे आने के बाद वो पूरा का पूरा जम जाता है, टेम्परेचर उसका क्या रहता है, फिक्स रहता है कुछ टाइम के लिए। फिर आप और ज़्यादा टेम्परेचर कम करोगे तो फिर वो सॉलिड फॉर्म में होगा और उसका टेम्परेचर घटता चला जाएगा, फॉर एग्जांपल इस तरह से नीचे। इन द सेम वे ये एक कंपोनेंट प्योर बी है, मैंने उसको इतना हीट कर दिया है कि वो लिक्विड फॉर्म में है। अब यहाँ पे उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी कि कूल कर रही हूँ, कम टेम्परेचर का लिक्विड ए, इस पॉइंट पे आते ही वो सारा फ्रीज हो जाएगा और कुछ देर के लिए मेरा टेम्परेचर फिक्स।
फिर मैं जब टेम्परेचर कम करूँगी तो वो सॉलिड भी है और उसका टेम्परेचर कम होता जा रहा है, जैसे -2 डिग्री के आइस, -5 डिग्री के आइस, इस तरह से कोई -5 डिग्री सेल्सियस का भी, -8 डिग्री सेल्सियस का भी इस तरह से कूलिंग करेंगे तो उसका टेम्परेचर सॉलिड का कम होता जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, मिक्सचर बनाऊँगी, फॉर एग्ज़ाम्पल ए और बी दोनों की मिक्सिंग करूँगी। तो मान लो एक बीकर है, ये मैंने सारे ओपन बीकर दिखाए हैं क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने लिया था रिड्यूस फेज इक्वेशन में, उसको हम फिक्स रखेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फिक्स करेंगे। तो मैंने बीकर को ओपन ले लिया है क्योंकि एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में अपने आप जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या है, फिक्स है। तो मैंने एक बीकर ले लिया बी और ए, उसके अंदर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 20 ग्राम बी डाल दिया और ए डाल दिया 80 ग्राम। अब परसेंटेज कैसे निकलेगी, सेम दोनों 80+20/100 है, टोटल सॉल्यूशन का जो अमाउंट है वो कितना है 100, तो बी की परसेंटेज क्या हो जाएगी 20% ही और ए की परसेंटेज क्या हो जाएगी 80% ही। अब मैंने बहुत ज़्यादा हीट कर दिया, इतना हीट कर दिया कि ए भी मेल्ट हो गया बी भी मेल्ट हो गया। अब हीटिंग होते ही लिक्विड फॉर्म में आते ही ये क्या है, मिसिबल हैं एक दूसरे के साथ, तो इन्होंने क्या किया मिसिबल फॉर्म में मिक्सचर बना लिया। ठीक है, ये होमोजीनियस सॉल्यूशन बन गया ए और बी का लिक्विड स्टेट में। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा था इसमें ए ज़्यादा अमाउंट में है और ए का फ्रीजिंग पॉइंट है 10 डिग्री सेल्सियस। आप ये बहुत ज़्यादा मान लो, इसका जो आपका लिक्विड है, लिक्विड फेज में जो मिसिबल होमोजीनियस सॉल्यूशन बना हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आप इसको कूल करना स्टार्ट करें, कूल करते हुए 18 डिग्री पे आए, 17 पे आए, 15 पे आए, कम टेम्परेचर का लिक्विड ही रहेगा। लेकिन जैसे ही 10 डिग्री आएगा, तो 10 डिग्री पे क्या होना चाहिए था, ये तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, इसको फ्रीज होना चाहिए था, कंपोनेंट तो ए भी है लेकिन ये फ्रीज नहीं होता। ये कैसे देख सकते हैं हम इसको, ए हमारा इसमें क्या है ज़्यादा अमाउंट में, बी कम अमाउंट में, तो हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं बी क्या है सोल्यूट और ए क्या है सॉल्वेंट। और हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आता है। तो इसमें अपने बी सॉल्यूट डाल दिया तो जो ए जो सॉल्वेंट है उसके फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ गया, यानी कि जब 10 डिग्री पे जो पहले फ्रीज होता था अब वो ए फ्रीज नहीं होगा, वो सॉल्यूशन में ही बना रहेगा। जैसे ही आप आओगे और कम टेम्परेचर पर, मान लो 10 डिग्री से कम टेम्परेचर पे आपने कूल कर दिया, तो फर्स्ट क्या होगा, सबसे पहले मैंने कहा कि एज जो लिक्विड की कंपोजिशन है, अगर आपने कूल किया तो सॉलिड उसी कंपोजिशन का नहीं बनेगा कि मान लो 20% उसमें बी हो गया और 80% ए, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले क्या होगा, थोड़ा सा ए बाहर आ जाएगा, ये डॉटेड डॉटेड क्रॉस क्रॉस, जैसे ये क्रॉस से मैंने ए को दिखाया था और ये लाइन से मैंने बी को दिखाया था, तो ये क्रॉस वाला थोड़ा सा ए यहाँ बीकर में नीचे जम जाएगा मान लो 9 डिग्री सेल्सियस पे, और इक्विलिब्रियम भी एटैब्लिश हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना था आपका ए 80 ग्राम, 80 ग्राम में से 5 ग्राम सॉलिड ए जम गया, तो आपका सॉल्यूशन कितना बच गया, टोटल था 100 में से 5 ग्राम आपका सॉलिड ए सेपरेट आउट हो गया है 9 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपके सॉल्यूशन में क्या बच गया 95 ग्राम, टोटल सॉल्यूशन आपका 95 ग्राम, और उसमें ए कितना है 75 ग्राम, आप कितना लेके चले थे 80 ग्राम, उसमें से 5 क्या हो गया है सेपरेट आउट हो गया, तो बचा कितना 75 ग्राम, और बी उतना का उतना ही है, वो क्या है आपके सॉल्यूशन में ही है बी उतना का उतना। तो अब आपका जो टोटल सॉल्यूशन है उसका अमाउंट है 95 ग्राम, ए है 75 ग्राम और बी है 20 ग्राम, तो अब इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, अमाउंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो ए के लिए हम क्या करते हैं 75/95, तो ये परसेंटेज कुछ आएगी 79%। इन द सेम वे बी तो जैसे 20 था 20 ही रह गया, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन रिड्यूस हो गया है 5 ग्राम ए निकलने की वजह से, तो 20/90 बी बच जाएगा, वो कितना आएगा 21%। तो हम कितना लेके चले थे 80/20% दोनों का रेशियो, 80:20 रेशियो था, अब क्या आ गया ए कम हो गया है 79% और बी बढ़ गया है 21%, और वो क्या है सॉल्यूशन में है,
और कम क्यों हुआ है? क्योंकि 9 डिग्री सेल्सियस पे कुछ सॉलिड ए का सेपरेट आउट हो गया है और ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, यानी कि उस 9 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ 5 ग्राम ही बाहर आएगा, बाकी का आपका क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा। तो फॉर एग्जांपल वो पॉइंट कहीं यहाँ होगा, मान लो ये पॉइंट क्या है, कंपोजिशन 80% ए का और 20% बी का है, तो जैसे ही 9 डिग्री आया टेम्परेचर तो कुछ उसमें से सेपरेट आउट हो गया, तो फिर क्या हो जाएगी, जो सॉल्यूशन वाले मिक्सचर की जो कंपोजिशन है, जो होमोजेनियस मिक्सचर है, उसकी कंपोजिशन बदल जाएगी और वो क्या हो जाएगी, 79:21, यानी कि इससे थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, सेम मिक्सचर को और कूल करेंगे, यानी कि अब 9 डिग्री से हम, अब ये अगर 9 डिग्री पे रखेंगे तो ये इक्विलिब्रियम एटैब्लिश हो गया है कि 5 ग्राम तो सॉलिड ए रहेगा और 95 ग्राम आपका सॉल्यूशन रहेगा। प्रोसेस चलता रहेगा, जितने सॉलिड में कन्वर्ट होंगे उतने लिक्विड में कन्वर्ट होते रहेंगे, लेकिन कंपोजिशन ये फिक्स हो जाएगी 5 ग्राम और 95 ग्राम का ये रेशो। लेकिन अपने टेम्परेचर को और ज़्यादा कम कर दिया, फॉर एग्जांपल 8 डिग्री सेल्सियस पे आ गए, तो अब क्या होगा, और ज़्यादा ए इसमें से सेपरेट आउट होगा। फॉर एग्जांपल पहले क्या था, 5 ग्राम, अब मान लो 12 ग्राम सॉलिड ए सेपरेट आउट हो गया है, 5 ग्राम तो पहले से ही था, 7 ग्राम और सेपरेट आउट हो गया, तो टोटल जो सेपरेट आउट हो गया है सॉल्यूशन में वो क्या हो गया है, 12 ग्राम सॉलिड बाहर आ गया। तो सॉल्यूशन कितना बचा, हम 100 लेके चले थे उसमें से 12 ग्राम ए बाहर आ गया है, तो सॉल्यूशन बचा आपका 88 ग्राम। अब 88 ग्राम में से लिक्विड कितना है ए और लिक्विड बी कितना है, जो 12 ग्राम 80 में से आपने 12 ग्राम ए को सेपरेट आउट करा दिया सॉलिड फॉर्म में, तो ये कितना बचेगा, ए लिक्विड फॉर्म में 68% और बी उतना का उतना ही रहेगा 20 ग्राम ही, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा है, वो तो सेपरेट आउट हो ही नहीं रहा है। तो इस सिचुएशन में 8 डिग्री सेल्सियस पे आपकी कंपोजिशन फिर से बदल गई है। तो जब आप इस कंपोजिशन का, जैसे आपका 68 ग्राम ए है और बी आपका कितना है 20 ग्राम है, तो आप इसकी कंपोजिशन निकालोगे तो ए कितना है 77% और बी कितना है 23%। इस तरह से फिर से जो आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन है उसकी कंपोजिशन बदल गई। 8 डिग्री आपने टेम्परेचर फिक्स कर दिया तो कंपोजिशन फिक्स है सॉल्यूशन की, 12 ग्राम सॉलिड ए है और आपका 88 ग्राम होमोजीनियस सॉल्यूशन है ए और बी का, उसमें ए और बी कितने हैं, ए है आपका 68 ग्राम और बी है आपका 20 ग्राम, तो आपकी कंपोजिशन कुछ यहाँ आ जाएगी इस तरह से। तो हम क्या यूँ बढ़ रहे हैं कंपोजिशन की वाइज, जैसे जैसे टेम्परेचर हम टेम्परेचर को कैसे शो करें, ऐसे नीचे आ रहे हैं टेम्परेचर में, तो कंपोजिशन कैसे बदल रही है, इस तरह से, यानी कि ऐसे 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 बदल रही है कंपोजिशन। तो इस तरह से करते 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 हम इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, पॉइंट ओ के ऊपर। अब पॉइंट ओ को बोलते हैं हम यूटेक्टिक मिक्सचर। यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है, एक पर्टिकुलर कंपोजिशन होती है उस होमोजीनियस सॉल्यूशन की, जिसमें ए और बी का कुछ फिक्स अमाउंट होता है और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, यूटेक्टिक टेम्परेचर पे बी भी सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि पहले सिर्फ यहाँ से हम आ रहे थे तो सिर्फ ए था और आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन था, लेकिन जैसे ही हम ए पे आते हैं, सॉरी ओ पर आते हैं, पॉइंट ओ पे, तो आपका जो बी है वो भी क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका जब बी भी सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा इस पॉइंट पे, तो कुछ देर के लिए टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा और आपका सारा का सारा जो सॉल्यूशन है वो जम जाएगा। लेकिन जमेगा कैसे, अलग से आपका बी, अलग से आपका ए, जैसे शुरुआत में हम लेके चले थे ऐसे, पूरा का पूरा सॉलिड का होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं बनेगा, फिर तो उसको हम बोलेंगे एलोए, कि उसने एलोए बना लिया है, लेकिन अलग अलग सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो ये जो पॉइंट है ओ, जिसकी एक पर्टिकुलर कंपोजिशन फिक्स कंपोजिशन होगी उस टेम्परेचर पे, उसके बाद कोई भी होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं बचेगा, दोनों के दोनों ए और बी कंपोनेंट सॉलिड फॉर्म में अलग अलग सेपरेट आउट हो जाएंगे। और आपके इस टेम्परेचर के बाद सिर्फ क्या बचेगा, इधर सॉलिड ए और सॉलिड बी। तो फॉर एग्जांपल आपका यूटेक्टिक मिक्सचर की कंपोजिशन है, मान लो ए ये पॉइंट ए के पास है इधर,
ए मान लो 65% है, बी 35% है, और वो कैसे हुआ है? जब आप उसको कूल करते गए हो, कूल करते गए हो, टेम्परेचर कम करते गए हो, तो मान लो टोटल आपका क्या था, 100 ग्राम रहेगा, ये टोटल इसका वेट हर बार मिक्सचर में बीकर के अंदर वेट क्या है, 100 ग्राम है, उसमें से 33 ग्राम सॉलिड है, यानी कि ये सॉलिड और ज़्यादा हो गया है, 33 ग्राम हो गया है, तो जो होमोजीनियस सॉल्यूशन है उसकी कंपोजिशन क्या बच गई है, 43 ग्राम ए प्लस 20 ग्राम बी, यानी क्योंकि ओ पॉइंट से पहले बी सेपरेट आउट नहीं हुआ है तो सारा का सारा बी है, यानी कि टोटल जो आपका 100 ग्राम में था उसमें से अगर 23 ग्राम सॉलिड सेपरेट आउट हो गया और जो होमोजीनियस सॉल्यूशन जिसकी कंपोजिशन क्या बच गई, ये 23 ग्राम ए और 20 ग्राम बी एक सॉल्यूशन है, उसकी कंपोजिशन निकालोगे तो उसमें ए 65% आएगा, बी 35% आएगा, तो जब ये कंपोजिशन बन जाएगी और यू टैक्टिक टेम्परेचर पहुंच जाएगा, चूँकि वो पहुंच ही जाएगा, आप जहां से भी शुरू करोगे जब तक जब आप यू टैक्टिक टेम्परेचर पे आ जाओगे तो कंपोजिशन चेंज हो के ये हो जाएगी, यानी कि जैसे ही टेम्परेचर आया कंपोजिशन फिक्स हो जाएगी। दूसरे वे में अगर आप ऐसा करोगे कि आप 65% ए मिलाओगे और 35% बी मिलाओगे और उसको वो एकदम से फ्रिज होगा इस टेम्परेचर के ऊपर, यू टैक्टिक टेम्परेचर, यानी कि या तो आप टेम्परेचर को फिक्स कर दो तो अपने आप वो कंपोजिशन बन जाएगी, या आप वो कंपोजिशन का सॉल्यूशन बनाओ और पर्टिकुलर यू टैक्टिक टेम्परेचर पे आओगे तो सारा का सारा जो है एकदम से टाइम लेने के बाद सॉलिडिफाई हो जाएगा, अलग अलग लेकिन ए और बी अलग अलग सॉलिडिफाइड हो जाएंगे। तो पॉइंट ए, इन द सेम वे जो बी है वो भी ऐसे ही बिहेव करेगा, मान लो यहाँ पे बी है तो अब रिवर्स हो सकता है यहाँ से कि बी आपने कम ज़्यादा अमाउंट में ले लिया ए कम अमाउंट में, तो बी अगर सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा तो जो आपका ए है वो किसकी तरह करेगा, सॉल्यूट की तरह बिहेव, तो जो मिक्सचर्स बनेंगे वेरियस कंपोजिशन के उनका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा क्योंकि आपने सॉल्वेंट बी में एक सॉल्यूट डाल दिया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो मिक्सचर्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है या जिसको फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमेशा प्योर कंपोनेंट से क्या होंगे, कम होंगे। और जैसे ही मान लो बी है, आप ऐसे लेके चले बी क्या है 80% और ए क्या है 20%, और फिर आप इसने आपने इसको कूल करना स्टार्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल इसका फ्रीजिंग, बी का फ्रीजिंग पॉइंट है 15 डिग्री सेल्सियस, तो जब ए और बी आपने मिक्स किया 20-80 के रेशो में तो 15 पे ये फ्रीज नहीं होगा, कम पे होगा, मान लो 14 पे हो गया, बी सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर कंपोजिशन बदल जाएगी, फिर और कम टेम्परेचर करोगे तो और कंपोजिशन बदल जाएगी, फिर से जब आपका मान लो फ्रीजिंग जो यू टैक्टिक मिक्सचर का पॉइंट है मान लो वो 5 डिग्री सेल्सियस है, तो या तो आप ए को ज़्यादा लेके चलो, यू टैक्टिक मिक्सचर आपका मान लो 5 डिग्री सेल्सियस है उसका टेम्परेचर, यू टैक्टिक मिक्सचर का यू टैक्टिक टेम्परेचर जब दोनों फेज अलग अलग सॉलिडिफाइड होते हैं 5 डिग्री है, तो या तो आप ए ज़्यादा लेके चलो या आप बी ज़्यादा लेके चलो, दोनों ही सिचुएशन में जब 5 डिग्री आ जाएगा तो आपका जो सॉल्यूशन है उसकी कंपोजिशन क्या होगी, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये माना है यू टैक्टिक पे पर्टिकुलर सिस्टम है तो उसकी कंपोजिशन होगी 65 और 35, पाथ चाहे कुछ भी हो, या तो आप इधर से आओ या इधर से आओ, लेकिन पॉइंट ओ के ऊपर एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे यू टैक्टिक टेम्परेचर आ जाएगा और दोनों फेस सॉलिडिफाइड होंगे सेपरेट आउट अलग अलग। तो ये हमने क्या किया है, यहाँ पे ये प्योर कंपोनेंट ए है, यहाँ पे बी है, ए का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, बी का फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी ए का कम है बी का ज़्यादा है, तो इस कर्व के अलोंग क्या है, ए ज़्यादा बी कम मिक्सचर में, इस कर्व के अलोंग क्या है, बी ज़्यादा ए कम है मिक्सचर में, लेकिन इस पॉइंट पे एक पर्टिकुलर दोनों की फिक्स कंपोजिशन हो जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, यू टैक्टिक कंपोजिशन, और उस टेम्परेचर पे सॉलिड ए और सॉलिड बी सेपरेट आउट होंगे अलग अलग। तो जो ये एरिया है ओ, इसको कोई पॉइंट नाम दे सकते हैं सी वगैरह, ओ सी ए मान लो, तो यहाँ पे क्या है, सॉलिड ए है और होमोजीनियस सॉल्यूशन है ए और बी का, ये जो एरिया है इसके अंदर क्या है, सॉलिड बी है और होमोजीनियस सॉल्यूशन है ए और बी का, इस तरह से। तो मान लो मैं इस पॉइंट के अलोंग टेम्परेचर चेंज कर रही हूँ यहाँ पे वाई पे, तो दोनों का मिक्सचर ले लिया मैंने, ए और बी का मिक्सचर ले लिया, फॉर एग्जांपल उसकी कंपोजिशन क्या है, 22% उसमें ए है
और बाकी का बचा क्या हो गया 78% उसमें बी है। अगर इस कंपोजिशन का मिक्सचर है तो मैं उसका टेम्परेचर कम करते जाऊंगी तो इस पॉइंट तक वो लिक्विड ही रहेगा। फिर जब ये पॉइंट आ जाएगा तो बी सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। और मान लो मैंने उसी टेम्परेचर पे रोक दिया है तो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में यहाँ पे बी होगा और बाकी का आपका क्या होगा सॉल्यूशन होगा जिसमें ए और बी होगा। और ज़्यादा टेम्परेचर करूँगी तो और ज़्यादा बी सॉलिडिफाइड होगा, फिर सॉल्यूशन की कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। और टेम्परेचर कम करूँगी तो फिर सॉल्यूशन की कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। जैसे ही मैं यू टैक्टिक पॉइंट पे आऊँगी तो सॉल्यूशन की कंपोजिशन, मान लो यू टैक्टिक टेम्परेचर पे आऊँगी तो सॉल्यूशन की कंपोजिशन क्या होगी, वहाँ पे बी क्या होगा आपका 35% और ए क्या हो जाएगा 65%। यानी कि इस पॉइंट पे किसी भी पाथ से आओगे आप, सेपरेट आउट एक कंपोनेंट सेपरेट आउट हो के जो सॉल्यूशन है उसकी कंपोजिशन क्या हो जाएगी 65-35, ये वाली कंपोजिशन, और एकदम से फ्रीज होगा। यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को ऐसे ऐसे चेंज करोगे, बी के अलोंग जाओगे तो आपका कंपोजिशन ऐसे चेंज होगा, ए के अलोंग जाओगे तो यानी कि ए सॉल्वेंट है तब, और यहाँ पे क्या है बी सॉल्वेंट है तब, इस तरह से चेंज होगा। अब हम इस ये जो सारा डायग्राम करा है हमने, इसका हम कूलिंग कर्व देख लेते हैं। तो देखिए कूलिंग कर्व करेंगे टू कंपोनेंट सिस्टम में, आपका ग्राफ टेम्परेचर और टाइम के साथ ऐसा आता है लाइक दिस। उसका रीज़न क्या है, मान लो हमने यू टैक्टिक मिक्सचर ले लिया या कोई भी मिक्सचर ले लिया, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है लिक्विड फेज में है वो दोनों, आप उसका टेम्परेचर कम कर रहे हो, जब तक किसी एक का फ्रीजिंग पॉइंट नहीं आता मिक्सचर के कोरस्पॉन्डिंग, तो वो मान लो पहले 20 डिग्री सेल्सियस का मिक्सचर था, आपने कूल किया तो 15 डिग्री सेल्सियस का मिक्सचर हो गया, इस तरह से टेम्परेचर कम होगा लिक्विड का। तो ये जो कर्व है ये क्या है, सीधा सीधा टेम्परेचर कम कर रहे हो तो लीनियरली चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर। फिर ये वाला जो कर्व है बी सी, ये एक हाल्ट आया है एक तरह से, यानी कि कर्वी कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, जैसे इसमें एक स्ट्रेट लाइन सी आ रही है। उसका रीज़न क्या है, उसका यू टैक्टिक पॉइंट आ गया है। यू टैक्टिक पॉइंट पे क्या होगा, जो भी होमोजीनियस सॉल्यूशन है वो क्या होना फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और फ्रीज कैसे होगा, ए अलग सेपरेट आउट होगा और बी अलग से सेपरेट आउट हो जाएगा। लेकिन जब फ्रीज होता है, हमेशा फ्रीज होता है तो फ्रीजिंग पे हीट निकलती है, हम क्या करते हैं लिक्विड से जब सॉलिड बनाते हैं तो लेटेंट हीट क्या होती है, नेगेटिव एक्सोथर्मिक हीट निकलती है। हीट निकलती है तो जिस स्पीड से हम कूलिंग कर रहे हैं सिस्टम की, उस स्पीड से कूलिंग नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी हीट निकल रही है और हम भी कूल कर रहे हैं, तो जो नेट कूलिंग है वो कम होगी। यानी कि स्ट्रेट लाइन ना होके आपकी जो कूलिंग है वो कर्वी फॉर्म में होगी। फिर आपका यू टैक्टिक मिक्सचर बन जाएगा। जब यू टैक्टिक मिक्सचर यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको फ्रीज होने में टेम्परेचर आपका फिक्स हो जाएगा और वो फ्रीज होता रहेगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो टाइम आपका बढ़ता रहेगा, वो टाइम लेगा और उस टाइम पे टेम्परेचर फिक्स रहेगा। जैसे ही दोनों ए और बी सेपरेट आउट हो जाएंगे अलग अलग, फिर और ज़्यादा टेम्परेचर आप कम करोगे तो फिर से वो सॉलिड फॉर्म का कम टेम्परेचर का सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ए का कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर है, बी का कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर है, कूल कर रहे हो तो वो कम टेम्परेचर के सॉलिड बन जाएंगे। तो जो हमारा कूलिंग कर्व है वो कैसे आएगा, यहाँ पे लिक्विड है डायरेक्टली कूल हो रहा है, यहाँ पे वो क्या होगा सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो रहा है। सेपरेट आउट होने का प्रोसेस क्या होता है, नेगेटिव लेटेंट हीट उसकी हमेशा नेगेटिव होती है, तो जो आपका कूलिंग रेट है वो कम हो जाती है एक्सोथर्मिक नेचर की वजह से। फिर ये आपका यू टैक्टिक पॉइंट आ गया है, जब तक पूरा का पूरा जो आपका होमोजेनियस सॉल्यूशन है सॉलिडिफाई नहीं हो जाएगा तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जैसे ही फिर सॉलिडिफाई हो जाएंगे फिर आप टेम्परेचर कम करोगे तो प्योर ए प्योर बी का टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो ये आपका क्या है, कूलिंग कर्व। बेटा साथ साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मैं इस यूनिट का साथ साथ ही टेस्ट लूँगी, तो आप नोट्स बनाते रहेंगे जो मैंने जब भी बोला है जिसके बाद, और डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके आपको खुद निकालने हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वीडियो बन रहे हैं एक एक टॉपिक के और फिर वो अपलोड होने में प्रॉब्लम आ रही है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आप आसानी से खुद निकाल सकते हो, तो वो आप खुद निकाल लेना। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।